अधिकार की तमाम हदों को पार कर फिलिस्तीनियों पर बर्बरतापूर्ण हमले करने वाले इसराइल के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को यवतमाल जिले के दीगरा शहर में मुस्लिम बंधुओं ने भव्य शांतिपूर्ण मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पेश है दीगरा से संवाददाता जुबेर खान की एक खास रिपोर्ट। जख्मी फिलिस्तीनियों का रूप धारण कर इसराइल के खिलाफ आयोजित मोर्चे में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर ध्यानाकर्षण कर रहे ये दिग्रज शहर के बच्चे हैं। शुक्रवार को शहर में मुस्लिम समाज ने तहसील कार्यालय पर शांतिपूर्ण मोर्चा निकालकर फिलिस्तीन का पुरजोर समर्थन किया। शहर की मस्जिद से शुक्रवार की दोपहर 3 बजे यह मोर्चा निकला। शहर के मुख्य चौराहों से गुजरते हुए यह मोर्चा तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां उपविभागीय अधिकारी एकनाथ काल बांडे के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर इजरायली हमलों की बर्बरता के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तहसील कार्यालय पहुंचे मुस्लिम बंधुओं को शहर के काजी अबू जफर और हाफिज जुनैद ने संबोधित किया। आप देख रहे होंगे कि ये जुल्म तमाम दुनिया देख रही है जो इजरायली ने फिलिस्तीनियों पर किया है, और ये जुल्म करने के बाद तमाम दुनिया में इसराइल बदनाम हो गया, और उसके खिलाफ उसके होने लगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी वहां के लिए इमदाद भेजी है फिलिस्तीन वालों के लिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो बढ़ जाता है, खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है। तो जुल्म किए तुमने पर उसने किए हमने, ये जर्फ हमारा था ये जर्फ तुम्हारा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अहले फिलिस्तीन के लिए कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह दमिश्क के बैतुल मक़दिस के दरवाजे तक के लड़ेगा, और वो हक पर रहेगा और क़यामत तक लड़ता रहेगा। ये हमारे और आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले बयान फरमाया, लेकिन आज हमारी कम नसीबी यह है कि हम उनसे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हथियार हमको भी अता फरमाया, उस हथियार को दुआ कहते हैं। अब दुआ सिलाहुल मोमिनीन, ये दुआ मोमिनी का हथियार है, और हम अहले ईमान जो फिलिस्तीन के हैं उनके लिए दुआ के लिए जमा हुए। फिलिस्तीन क्या है, एक शायर ने कहा कि अंबिया को मुबारक मस्तन हूं मैं, सिर्फ मस्तन नहीं उनका मस्तन हूं मैं, खून से फिर भी देखो मैं रंगीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। मेरे अपनों ने पहले भुलाया मुझे, दुश्मनों ने भी आ सताया मुझे, दौर हाजिर में करबल की तस्वीर हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन हूँ। इस दौरान युद्ध नीतियों और मानवाधिकारों को पैरों तले रौंद कर इसराइल द्वारा गाजा में स्थित स्कूल, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों में बमबारी कर हजारों बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारने वाले इसराइल के खिलाफ रोष दर्ज किया गया। इस मौके पर इसराइल की एक जमाने से जारी दगाबाजियों, मानवाधिकारों का हनन, मस्जिद अक्सा और फिलिस्तीन के इतिहास सहित फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला गया। अंत में निर्दोष फिलिस्तीनियों के न्याय और अधिकारों और उनके उद्धार की कामना करते हुए उनके हक में दुआ प्रार्थना की गई। इस मोर्चे की विशेषता ये रही कि हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़ ने अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मोर्चे में शामिल होकर कानून का पालन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को सहयोग दिया। कुल मिलाकर दिग्रज शहर में फिलिस्तीन के समर्थन में निकला मोर्चा कानून व्यवस्था के अनुशासन तथा अमन और शांति के पालन के लिहाज से बेहद कामयाब रहा। NBC News के लिए दिग्रज से जुबैर खान की रिपोर्ट।